हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे ध्रुव एंड माही ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है फूड के ऊपर। तो आज वो है वेज चीज सैंडविच। हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं वेज चीज सैंडविच। और ये मैंने YouTube से नहीं देखा, ये हमारा खुद का रेसिपी है। हम लोगों ने घर पे ये रेसिपी बहुत बार बनाते हैं, तो सोचा आज आप लोगों से भी शेयर करें। तो चलें किचन में बनाते हैं। तो आप भी देखना, ठीक है? और आपको रेसिपी मामी बताएंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोगों के बोलने पे भी जरूर करें। और प्लीज, और ना कहने में भी कर दे, और मेरे लिए भी कर दे प्लीज गाइस। तो चलो हम लोग चलते हैं किचन में। चलो मिलते हैं तब तक आप लोगों से। गाइस, सैंडविच के लिए हम लोगों ने लिया है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पनीर। पनीर मैंने अमूल का लिया है। और मैंने यहाँ दो तरीका का चीज़ लिया है, ये मोजरेला चीज़ है और एक ये पिज़्ज़ा वाला चीज़ है। और उसके बाद मैंने लिया है चंकी चाट मसाला, टमाटो सॉस और ये ब्रेड। तो चलिए अब हम लोग कटिंग करते हैं। तो ये सब्जी चॉपिंग करने के लिए मम्मी आ गई हैं, क्योंकि ये 3 दिन से घर पे नहीं थी। आज आई हैं तो बोल रही हैं मैं ही चॉपिंग करूँ। कैसा लग रहा है आपको चॉपिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतनी सारी वेजिटेबल अभी मम्मी चॉपिंग करेगी। और ये पनीर ग्रेट होंगे और ये चीज़ भी ग्रेट होंगे। तो ये हमारा प्याज चॉप हो गया और थोड़ा सा चला। हमारा सारा वेजिटेबल चॉप हो चुका है, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च। हम लोगों ने सारा वेजिटेबल चॉप कर लिया है, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और ये चीज़ को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये ऑलरेडी ग्रेट ही होती है, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग आगे के प्रोसेस करते हैं। तो ये मम्मी सारा वेजिटेबल मिक्स कर रही है। और ये रेसिपी मैंने कहीं YouTube में नहीं देखा है, ये हम लोगों की खुद की रेसिपी है। ये मम्मी पनीर डाल रही है। अब इसमें डालेंगे, अब इसमें मम्मी चीज़ डाल रही है। आप इसमें जितना चीज़ डालेंगे उतना सैंडविच में मज़ा आएगा। इसमें डाल रही है चाट मसाला और इसमें डाल रहे हल्का सा जीरा पाउडर और नमक। तो मिक्स कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो अभी इसमें टमाटो सॉस मिला सकती हैं, हम लोग ब्रेड में लगाएंगे। चलो गाइस मिलते हैं इसको मिक्स होने के बाद। गाइस हमने ब्रेड ले लिया है और अब हम इसमें लगाएंगे केचप, टमाटो केचप। आप लोग को जैसा अच्छा लगे कि वैसे ना केचप लगाएं, केचप लगा भी सकते हो। गाइस हमने टमाटो केचप लगा लिया है। अब इसमें भरेंगे हम ये चीज वाली वेजिटेबल एंड चीज की जो थी ना मिक्सिंग, वो हम डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो ग्रीन चटनी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी चटनी यूज कर सकते हैं। आप इसे ऊपर से ढक देंगे और अब गैस ऑन करेंगे। अब ये गैस ऑन हो रहा है, पता नहीं कहाँ हो गया। अब ये ब्रेड जाएगा उसके ऊपर, ऑयल लग गया। अब थोड़ा से फैला देंगे कि वो अच्छे से पके।
ऑयल गरम हो रहा है, तब तक गरम हो रहा है। तो गाइस ये अंदर जा चुका है, अभी अच्छे से पकेगा। ब्रेड को हमने तवे पे ग्रिल होने के लिए रख दिया है, अब वो अपने आप पकेगा। अब हम लोग वेट करते हैं इसका एक तरफ ग्रिल होने का। तो आप गाइस देख सकते हैं कलर कितना अच्छा, वो ब्राउन हो गया। चाहे तो ग्रिल मशीन पे भी बना सकते हैं, बट आज हम लोग इसे तवा पे बना रहे हैं। और नेक्स्ट कभी अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग ग्रिल मशीन पे भी आप लोगों को बनाकर जरूर दिखाएंगे। तो मामी आप देख सकते हैं बना रही हैं तवे पे ऑयल डाल के। तो इसका कलर बहुत अच्छा है, दूगो डाल लेते हैं तो रात में ही हो। गाइस ये बन चुका है और आप देख सकते हैं। अब हम इसे कटिंग करते हैं बन को। तो गाइस आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है, बहुत चीजी बना, देख सकते हो आप अंदर की। तो चलते हैं इसे लेकर। आता है इसे टेस्ट करो, बताओ कैसा बना। तो भाई यम्मी बना, बहुत सारा बना, आप भी एक बार ट्राई करना। क्रिस्पी भी उतना ही है, आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी है। और ये सैंडविच आराध्या ने बनाया है खुद से। अब मैं इसे कटिंग करूंगी, इसे देख सकते हैं। नानी तो इसे कट कर दीजिए नानी। तो गाइस आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। लेकिन मेरे लिए जरूर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलो हम लोग अपना सैंडविच एंजॉय करते हैं और आप लोग भी देख कर एंजॉय। कभी बनाना बनाना और एंजॉय करना, बनाना भी और एंजॉय भी करना। कोल्ड ड्रिंक के साथ करना, कोल्ड ड्रिंक के साथ और अच्छा लगेगा। चलो हम लोग अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय 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 बाय।